ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 29 अप्रैल 2022 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले एक जरूरी सूचना। कस्टमाइज राशिफल लगातार आप सभी लोगों को मिल रहा होगा। जिन लोगों ने अभी भी कस्टमाइज राशिफल के लिए रजिस्टर नहीं किया है वो हमारे वेबसाइट www.kundaliexpert.com पर जाइए और वहाँ पर लॉगिन पेज पर क्लिक करके एक छोटा सा साइन अप बना लीजिए और 30 डेज का फ्री ट्रायल आप अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मैं कल से ट्रैवलिंग के लिए निकलूँगा और 1 तारीख को दिल्ली NCR में अवेलेबल रहूँगा। जिनको भी अपने पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए वो हमारे कस्टमर केयर नंबर 9818318303 पर संपर्क कर सकते हैं। 2 मई को मैं चंडीगढ़ में अवेलेबल रहूँगा। इसके अलावा 4 मई को जयपुर, 6 मई को अहमदाबाद, 8, 9, 10 मुंबई और 15 को लखनऊ में अवेलेबल रहूँगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर कैसा पड़ेगा प्रभाव। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपके जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं इंक्लूड कर लूँ। पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि कुंडली में उच्च बल की गणना कैसे की जाती है। उच्च बल जो होता है, स्थान बल में बहुत सारे बल होते हैं जिसमें उच्च बल सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है। कोई ग्रह अपनी उच्च राशि से कितना ज़्यादा पास है या जितना ज़्यादा दूर है उसी को हम लोग उच्च बल कहते हैं। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 0 होती है और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 60 यूनिट होती है। तो 0 से 60 तक का जो ये बल है, ये सपोज कीजिए कि कोई ग्रह, एग्जाम्पल के लिए हम चंद्रमा को मान लेते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं 2 डिग्री पर। तो 2 डिग्री पर अगर वृष में किसी का चंद्रमा है तो उसका जो उच्च बल होगा वो एग्जैक्टली 60 यूनिट के बराबर होगा, 60 यूनिट के बराबर होगा। लेकिन अगर वृषभ के जगह पर ये मिथुन में चला गया तो धीरे धीरे इसका उच्च बल क्या होगा, कम होगा। और जब ये अपनी नीच राशि में पहुंच जाएगा तो इसका जो बल रहेगा वो 0 के आसपास पहुंच जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जैक्ट परम नीच पर पूरा एग्जैक्टली ये 0 हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि उच्च राशि से कितना ज़्यादा डेविएशन होता है उसको हम लोग उच्च बल से कैलकुलेट करते हैं और ये जो षडबल हम लोग निकालते हैं उसमें इसको काउंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। दूसरा प्रश्न भी आपके ओपन कर लेता हूँ। दूसरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पूछा गया है, पराशरी और साथ में ताजिक, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो होते हैं ताजिक शास्त्र में और पराशरी सिस्टम में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। लेकिन आप केवल इतना समझ लीजिए कि ताजिक शास्त्र का उपयोग केवल वर्षफल कथन के लिए किया जाता है। उसमें जितने भी योग बनते हैं, जैसे आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि इंदुवार योग बनता है, इकबाल योग बनता है, मड़ऊ योग बनता है, बहुत सारे कंबूल योग बनते हैं, इत्शाल योग बनता है, बहुत टाइप के योग बनते हैं जो कि वर्ष लगन की कुंडली में ही चेक करते हैं। लेकिन बाकी जैसे गज केसरी योग हो गया, रूचक योग हो गया, ये सारे चीज़ें लगन कुंडली से निकलती है। तो जो वर्ष कुंडली होता है उसका उपयोग केवल ताजिक शास्त्र की सहायता से किया जाता है। कल चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी संध्याकाल 6:45 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। नक्षत्र रेवती नक्षत्र है जो कि गंडमूल नक्षत्र में काउंट होता है और इस नक्षत्र में चंद्रमा को दोष लग जाता है। तो यहाँ पर मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का संक्षेप में देखते हैं कैसा दिन देगा। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन भाव से द्वादश भाव में रहेगी और चंद्रमा आपके सुखेश होते हैं। सुखेश का द्वादश में बैठना अकस्मात माता के को लेकर अस्पताल से संबंधित किसी प्रकार का खर्च हो जाना, माता को लेकर अस्पताल चले जाना या आपके भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई गुप्त शत्रु का अकस्मात आप पर हावी हो जाना, ये सभी चीज़ें
मेष लगन वाले जातकों पर कल के दिन हो सकता है, लेकिन भाग्य जो रहेगा आपका कल पूरे तरीके से साथ देगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं, लेकिन परिवार में और धन को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लाल तिलक जरूर लगाइए, और इसको अगर लाल चंदन का तिलक लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन से एकादश स्थान पर होगा, और चंद्रमा का एकादश स्थान पर बैठना आपको आय के साधन में काफ़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध और बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में कोई नया काम करते हैं तो उसको भी आप कल के दिन कर सकते हैं, और साथ में अकस्मात कार्य या व्यवसाय को लेकर अकस्मात एक लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। यात्राओं के कारण शरीर में थकावट का अनुभव आप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कल का दिन आपके लिए शुभ ही जाएगा। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन सफल आप हो जाइएगा। इसके बाद हम मिथुन इस वृषभ लगन वाले जातकों को कल के दिन क्या करना चाहिए जिससे कि चीज़ें और श्रेष्ठ हो जाए। तो कल के दिन शुक्र का बीज मंत्र कीजिए जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और दिन अच्छा बीते। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल के दिन चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लगन से दशम स्थान पर रहेगा। दशम स्थान पर अगर चंद्रमा रहेंगे मिथुन लगन में तो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे, और साथ में प्रेम प्रसंग भी अकस्मात बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध थोड़े से कड़वाहट आ सकती है, किसी प्रकार का वार्तालाप में विवाद हो सकता है, और बिजनेस पार्टनर के साथ भी किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। धन इतनी आसानी से संचित नहीं होगा, और शेयर सट्टा लॉटरी में किसी प्रकार के बड़े नुकसान होने की संभावना भी कल के दिन देख पा रहा हूँ। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गौ माता की आपको सेवा करनी चाहिए। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में कल का दिन चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से भाग्य स्थान पर रहेगी, और भाग्य स्थान पर जब चंद्रमा रहेगा तो निश्चित रूप से भाग्य का साथ आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होना, धन का संग्रह हो जाना, और साथ में दूसरों किसी के साथ अगर विवाद की स्थिति चल रही थी तो विवाद की स्थिति खत्म हो जाएगी, और आपके लिए शुभ समाचार यहां पर देखने को मिलेगा। आपके कार्यों की सराहना कार्यस्थल पर की जाएगी, और साथ में रोग ऋण शत्रु का अंत भी कल के दिन होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। कल के दिन को अति श्रेष्ठ बनाने के लिए शिव जी को जाकर मंदिर में 10 मिनट अगर आप टाइम निकाल करके शिव जी की आराधना करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंह लगन वाले जातकों के लिए कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव का चंद्रमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, छोटे बड़े भाई दोनों के साथ किसी प्रकार का विवाद हो जाना, और मित्र यार और जो भी आपके जो आपको राय देते हैं या आपके हितैषी हैं इन लोगों के साथ भी किसी प्रकार का किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, और अगर किसी तरीके से वाद विवाद की स्थिति ज़्यादा चरम पर पहुंच जाती है तो अपने आप को उससे दूरी बना कर रखिए जिससे कि कोई नकारात्मक चीज़ें आपके पास ना हो। दूसरी चीज़ें जो कल होने वाली है, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्राएँ हो सकती हैं, यात्राएँ सुखद रहेंगी। जिस उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे उसकी पूर्ति भी होगी, लेकिन इस समय वाणी को कंट्रोल में पूरा करके रखिएगा, नहीं तो वाद विवाद होने की पूरी संभावना कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का जाप जरूर, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और साथ में 32 नाम जो बनाया गया है दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है माँ दुर्गा का, उस नाम को आप जाप जरूर कीजिए, और जितना ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं 11 बार 21 बार या 108 बार वो करने से आपका कल का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल का जो दिन रहने वाला है ओवरऑल अच्छा रहेगा। कल के दिन किसी एक लगन का बहुत अच्छा होने वाला तो कन्या लगन का, हर तरीके से पॉजिटिव, चाहे वो धन की बात किया जाए, चाहे वो कार्य व्यवसाय की बात किया जाए, प्रेम प्रसंग का, शिक्षा का, हर में पॉजिटिव रिजल्ट ही आने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य की अनदेखी आप नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य को एक प्रकार से कहा जाए गुप्त शत्रु का हावी हो जाना और स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो जाना, जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उनको ज़्यादा परेशानी और भी कल के दिन हो सकती है, लेकिन दूर संचार माध्यमों से आपको लाभान्वित होना पड़ेगा, और ऐसा मैं चार्ट में चेक कर पा रहा हूँ। ओवरऑल कंडीशन जो है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए अच्छी बन रही है। कल के दिन को श्रेष्ठ
बनाने के लिए आपको माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आपके रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएगा। हाइपर एसिडिटी का बढ़ना और अकस्मात यात्राएं करना, ये आपके चार्ट में पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है। इस समय कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राएं करनी पड़ सकती है और कार्य व्यवसाय को लेकर जो यात्राएं होंगी उसमें सफलता भी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। ओवरऑल कहा जाए इस समय बृहस्पति और शुक्र की जो युति बनी हुई है तुला लगन में, ये आपके लिए काफ़ी ख़राब है और आपको सबसे ज़्यादा उपाय की ज़रूरत है। आपको एक तो शुक्र का बीज मंत्र लगातार कीजिए और येल्लो कलर की चीज़ों का डोनेशन कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो जो आपकी पुरानी पुस्तकें हैं वो अगर किसी गरीब बच्चों को दान कर देते हैं तो भी आपके लिए अच्छा ये ट्रांजिट होने लगेगा। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात किया जाए, वृश्चिक लगन में कल का दिन मिश्रित होने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, जीवन साथी का आपको सहयोग तो मिलेगा, प्रेम प्रसंग भी बढ़ेगा और साथ में आय के साधन में वृद्धि होंगे, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर किसी बात का मतभेद आपस में हो सकता है। इस मतभेद को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ऑफिस की बात ऑफिस में ही समाप्त हो जाए, घर तक ना पहुंचे। इसके अलावा आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और जो पिता के स्वास्थ्य में गिरावट चल रही थी वो गिरावट खत्म होगी। छोटे भाई बहनों को लेकर किसी प्रकार का टेंशन आपको हो सकता है। इसके बाद हम बात करें धनु लगन वाले जातकों के लिए। देखिए धनु लगन वाले जातकों के लिए कल का जो दिन रहने वाला है वो भी मिश्रित रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में काफ़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिलना और धन अर्जन के क्षेत्र में काफ़ी मुश्किल के बाद धन अर्जन कर पाना, ये दो नकारात्मक चीज़ें दिख रही हैं। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शेयर सट्टा लॉटरी में सफलता मिलने की संभावना कल के दिन ज़्यादा दिख रही है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और साथ में इस समय मित्र और रिश्तेदार आपके हितैषी होंगे, हर चीज़ के लिए आपके सामने खड़े रहेंगे। जैसा आपको मदद चाहिए होगा वो हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे और इस समय आपके गुप्त शत्रु जो रहेंगे उनका भी अंत हो जाएगा कल के दिन और आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम ओवरऑल मिलने वाला है। तो कल के दिन आपको शुभ और बनाने के लिए निश्चित रूप से आप अपने लग्नेश अर्थात बृहस्पति देव की आराधना कीजिए। बृहस्पति देव का जो बीज मंत्र होता है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। ऐसा करने से आपके का दिन जो रहेगा वो कल बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। इसके बाद मकर लगन की बात किया जाए, देखिए मकर लगन में भी दिन अच्छा बीतेगा कल का। अगर कहा जाए तो ओवरऑल मीन का जो चंद्रमा रहेगा वो आपको मेहनत तो ज़्यादा कराएगा लेकिन ये मेहनत के परिणाम स्वरूप नाम पद और प्रतिष्ठा तीनों ही चीज़ बढ़ेंगी। छोटी मोटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और ये छोटी दूरी की यात्राएं होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं के योग कम बन रहे हैं। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं ज़रूर करनी चाहिए। यात्रा करने से आपको धन लाभ होने की स्थिति सामने आएंगी और साथ में भूमि वाहन मकान में किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं या नया काम करना चाहते हैं इनको लेकर तो आप निश्चित रूप से कल के दिन इसको प्रारंभ कर सकते हैं। मीन का चंद्रमा 6:43 तक संध्या काल तक रहेगा और इस समय तक सारे कार्य आप अपने निपटा सकते हैं। उसके बाद थोड़ी परेशानियां अकस्मात बढ़ सकती है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में कल का दिन अत्यधिक अच्छा होने वाला है। एक तो कई दिनों से रुका हुआ जो कार्य था वो पूरा हो जाएगा, दूसरा आपके जो शत्रु रहेंगे वो अब निकल के सामने आएंगे यानी गुप्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा और गुप्त शत्रुओं का नाश होने से थोड़ा रिलैक्सेशन माइंड में ज़रूर होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसमें भी आप लाभान्वित रहेंगे। धर्म के क्षेत्र में भी आप जितना भी प्रयास करेंगे वो सफल रहेगा और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हर तरीके से कल का दिन अच्छा रहने वाला है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके कार्यस्थल को लेकर जो विवाद चल रहा था वो विवाद भी अब खत्म होने की संभावना पूरी तरीके से मैं देख पा रहा हूँ। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल का दिन सबसे अच्छा बीतेगा। अगर मैं कहता हूँ कन्या लगन के बाद दूसरा सबसे अच्छा लगन तो वो मीन लगन रहेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा आप प्रभावित कर लेंगे दूसरे लोगों को, इस कारण से मान पद और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग तो बढ़ेगा, साथ में भाग्य और कर्म दोनों ही साथ मिलेगा, अर्थात जितना भी आप कर्म कीजिएगा वो भाग्य भी उसमें साथ आपको पूरे तरीके से
से मिलेगा, और इनपुट आउटपुट का जो रेशियो होता है जिसको इफिशियंसी कहते हैं, इफिशियंसी भी आपकी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। इसके अलावा आपको हर क्षेत्र में कल के दिन अगर किसी प्रकार का भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कीजिए। चंद्रमा कल आपके लगन में ही रहेंगे और लगन का जो चंद्रमा रहेगा काफ़ी अच्छा परिणाम यहाँ देगा। ओवरऑल कहा जाए तो चंद्रमा का लगन में बैठना और बृहस्पति शुक्र का भी साथ में युति बना लेना, ये आपके लिए अत्यधिक अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध आपके मधुर होते जाएंगे। जीवन क्षेत्र में आपके यानी आर्थिक रूप से कहा जाए तो सुदृढ़ स्थिति बनेगी और कार्य व्यवसाय को लेकर भी अच्छे समाचार आपको सुनने को मिलेंगे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल 29 अप्रैल 2022 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।